इंतखाबात करीब आते ही सरमायाकार मोहतात हो गए हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रवा साल की सबसे बड़ी मंदी रिकॉर्ड की गई है। 100 इंडेक्स में 1039 पॉइंट्स की नुमाया कमी देखने में आई, 62774 पर बंद हुआ। ब्रोकर्स के मुताबिक इलेक्शन के बाइस इन्वेस्टर्स नई सरमायाकारी करने में मोहतात हैं। गैर मुल्की सरमायाकार मुसलसल शेयर्स फरोख कर रहे हैं, जिसके बाइस मार्केट में मंदी रही। पुरानी सियासत करने वाला जो भी जीतेगा नफरत और तकसीम की सियासत ही करेगा। पीडीएम हुकूमत ने भी खान साहब की तरह 3 माह आईएमएफ मुआहदे की खिलाफवर्जी की। बिलावल भुट्टो का इस्लामाबाद में तलबा से खिताब, कहा हुकूमत में आकर 17 वजारतें खत्म कर देंगे, अशराफिये की सब्सिडी खत्म करेंगे, किसी को सियासी कैदी नहीं बनाएंगे। तो हमारे से बहुत एक्सपीरियंस तो जरूर होंगे 70+ जो हमारे दूसरे सियासी मुखालिफ हैं, वो वही पुरानी सियासत करना चाह रहे हैं जिससे यही नफरत और तकसीम में इजाफा होगा। नई सोच की तरफ नहीं जाते हैं ना, तो आप चाह रोटी का प्रमकान आपका मंशूर हो, तब्दीली आपका मंशूर हो, मुल्क को चौथी बार नवाज दो आपका मंशूर हो, वो नई सोच के बगैर आप अपने मंशूर पे अमल नहीं कर सकते कि हम इंशाल्लाह ताला हुकूमत में आके ना सिर्फ वो 17 वजारतें बंद करेंगे, मगर ये तमाम जो अशराफिया का सब्सिडीज है इनको ख़त्म करके अपने अवाम पे खर्च करेंगे। मैं जानता हूँ कि इस्लामाबाद की रूसी की जहनियत क्या है, वो ये है कि वो ना खुद कुछ करना चाहते हैं ना किसी और को कुछ करना देने की इजाज़त है। तंकीद करने पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा, किसी को तशद्दुद पर उकसाने या इंतशार फैलाने का मामला अलग है। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती फैसले पर तंकीद करने वाले सहाफियों को जारी FIA के नोटिसेज फौरी वापस लेने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क दिए कि दुनिया भर में जिंदा कौमें माजी की गलतियों से सीखती हैं, हम यहाँ कहते हैं मिट्टी पाओ और आगे बढ़ो, जब तक हिसाब नहीं लेंगे ऐसे वाकयात होते रहेंगे। अटर्नी जनरल ने कार्रवाई ना करने की यकीन दहानी करा दी। अदालत ने वफाकी हुकूमत से सहाफियों पर तशद्दुद के केसेस की पेशरफ्त रिपोर्ट 2 हफ्ते में तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने सरदार अख्तर मैंगल को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है। अदालत उज़्मा ने अख्तर मैंगल के कागजात नामजदगी की मंजूरी के बलूचिस्तान हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील खारिज कर दी है। अदालत ने करार दिया है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने अख्तर मैंगल के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए, जबकि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फैसला मुस्तरद करते हुए कागजात मंजूर कर लिए हैं। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट इंतखाबी केसेस में मुदाखलत से गुरेज करती है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने एतराज कुनंदा की अपील की समाप्त की। लाहौर हाईकोर्ट ने परवेज इलाही के हलका PP 32 से बैलेट पेपर्स की छपाई रोक दी है। अदालत ने दरख्वास्त के हतमी फैसले तक छपाई रोकने का हुक्म दिया। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने परवेज इलाही की दरख्वास्त पर समाअत की। साबिक वजीर आला पंजाब ने इंतखाबी निशान मोर अलाट करने के लिए दरख्वास्त दायर की थी। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी की यकीनी फतह देखकर मुखालिफीन बौखला गए हैं। पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली वाजे है, आज़ाद अरकान के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। चौधरी सरवर ने पंजाब से बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवारों की जीत की पेशगोई भी कर दी है। अगर बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर से इलेक्शन के लिए खड़ा हो गया तो केड़ी क्यामत आ गई है भाई। बिलावल भुट्टो यहाँ से जीतेगा और इंशाल्लाह वजीर आजम भी बने। ये वफाक के लिए, पाकिस्तान की फेडरेशन के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए एक बहुत अहम पेशरफ्त होगी। पंजाब से बहुत ज्यादा आजाद उम्मीदवार जीतने वाले और जो आजाद उम्मीदवार हैं उनके साथ मिलकर हुकूमत बनेगी जो भी फ्यूचर की बनेगी। पूरी दुनिया में सिर्फ एक हल्के को देख रहे हैं कि हल्का 127 में क्या फैसला हो। अगर इलेक्शन वाले दिन गड़बड़ हुई उनको ऐसी बर्दाश्त नहीं करा। आम इंतखाबात के नकाद के लिए इलेक्शन कमीशन को नई परेशानियां पड़ी। बैलेट पेपर्स की बार बार छपाई से इलेक्शन कमीशन को खसूसी कागज की किल्लत का खदशा पैदा हो गया है। जरा इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अब किसी हल्के के बैलेट पेपर्स दोबारा छापने पड़े तो ताखीर का इम्कान है। कई हल्कों में अदालती हुक्म पर बैलेट पेपर्स दोबारा छापे गए। इंतखाबात में 26 करोड़ बैलेट पेपर्स की छपाई के लिए 2100 टन कागज मंगवाया गया। अदालती हुक्म पर 5 हल्कों में बैलेट पेपर की दोबारा छपाई पर 30 टन कागज इस्तेमाल हुआ। सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉरपोरेशन से कागज की दोबारा तैयारी में 15 से 20 रोज लग सकते हैं।
बैलेट पेपर्स की छपाई का काम 60% मुकम्मल हो गया है। तहरीक इंसाफ की सनम जावेद ने NA 119 से इलेक्शन ना लड़ने का फैसला कर लिया। आजाद उम्मीदवार मियां शहजाद फारूक के हक में दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। सनम जावेद ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ रही। मियां शहजाद फारूक बेहतरीन उम्मीदवार हैं, अपनी इंतखाबी मुहिम बेहतरीन अंदाज में चला रहे हैं। सनम जावेद की बहन फलक ने भी अपने एक्स अकाउंट पर पैगाम में कहा है कि हम हल्का NA 119 में मियाँ शहजाद फारूक की इलेक्शन मुहिम सनम की मुहिम समझ कर चलाएंगे। मरियम नवाज के नाम से शोहरत की ख्वाहिशमंद सनम जावेद इलेक्शन से भाग निकली हैं। लीगी रहनुमा अजमा बुखारी का रद्दअमल, सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, इंतखाबात ग्राउंड पर और साख पर लड़ना पड़ता है। मालूम नहीं कि PTI ने धुतकार दिया या ग्राउंड पर असलियत का इल्म हो गया। निगरा वज़ीर-ए-आला सिंध का निगरा वज़ीर-ए-आज़म को खत, चोलिस्तान को पानी फराहमी के लिए NOC जारी करने पर संगीन खदशात का इजहार कर दिया। वज़ीर-ए-आला सिंध ने अपने खत में लिखा कि इरसान ने 17 जनवरी को पानी से मुतालिक रिपोर्ट जारी की थी। सिंध हुकूमत से मालूमात का तबादला किए बगैर खुफिया और अचानक NOC जारी किया गया। उन्होंने मुंतखब हुकूमत के आने तक फैसला मौखर करने की अपील की। कहा, इजाजत देना निगरा हुकूमत के मैंडेट से बाहर है। सिंध के मफादात को नुकसान पहुँचाने वाला कोई भी फैसला किसी भी हुकूमत के लिए मुश्किल होगा। आज़ाद कश्मीर के वजीर और पीपल्स पार्टी रहनुमा सरदार जावेद अयूब का कहना है कि बिलावल भुट्टो ने बतौर वजीर खारजा कश्मीर का मुकदमा दुनिया के सामने रखा है। कराची प्रेस क्लब में वजीर हुकूमत आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सेक्रेटरी तलाश सरदार अयूब ने जावेद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी किसी एक इलाके की जमात नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड समेत बेशुमार मसाइल होने के भुट्टो के बावजूद बिलावल भुट्टो ने इंतखाबी मुहिम को मुतासर होने नहीं दिया। पीपल्स पार्टी 8 फरवरी को कामयाब होगी। सरदार नज़ाकत बोले कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कराची वाके पर कारकुनान को पुरमन रहने की ताकीद की है। कराची का हल्का NA 233 जो पहले 240 जिला शर्की का हिस्सा था, गुज़श्ता चंद सालों में इस हल्के में कितने तरक्याती काम हुए और शहरी किन मसाइल से दोचार हैं, जीशान मुगल रिपोर्ट करेंगे। शहर कायद का हल्का NA 233 जहां की आबादी 10,31,170 अफराद पर मुश्तमिल है, रजिस्टर्ड वोटर की तादाद 5,48,061 है। हल्के में पोलिंग स्टेशन की तादाद 298 है। हल्के में बाबर मार्केट, भुट्टो नगर, जमान टाउन, गुलशन मलीर, गुलशन लतीफ, अवामी कॉलोनी, लांडी और कोरंगी के कुछ हिस्से शामिल हैं। वक्त बदला, इक्तदार बदला, लेकिन मसाइल जूं के तूं। यहाँ का सबसे बड़ा मसला साफ पानी का है। सबसे मेन मसला ये पानी है। देखें, जानवरों से बदतर है हम लोग। सिर्फ वादे वादे वादे, 5 साल गुजर गए वादों में, अभी नए वादे फिर हो रहे हैं। हमारे इलाके में 2 महीने से इस तरह पानी आ रहा, कोई पूछने वाला भी नहीं है, कोई देखता भी नहीं है। सबका दफ्तर खुल गया है, लेकिन कोई वादा करता है, लेकिन ये पानी मिल रहा हम लोगों को, ये पानी वो पी सकता है क्या? खस्ता हाल सड़कें, तबाह हाल इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल के मैदान ना होना और कचरे के ढेर हल्के के बड़े मसाइल हैं। ये लावारिश इलाका है बेटा, यहाँ सालों साल कोई देखने वाला नहीं और गड़े लेन हर वक्त बंद रहती है। और ये देख लो रोड का हालत, देख लो भाई ये रोड पे क्या हो रहा है। ये है कोई सुनवाई यहाँ पे? कोई सुनवाई नहीं है ना। पहले तो हम वोट देते थे MQM को, मगर इस बार हमने सोचा कि हम MQM को भी वोट नहीं देंगे, क्योंकि हम दिल बर्दाश्त हो चुके हैं। हम जिन नुमाइंदों को वोट देते हैं वो आगे यहाँ काम ही नहीं कराते। इलेक्शन 2018 में MQM पाकिस्तान के मोहम्मद अली ने 61,165 वोट लेकर मैदान मारा। TLP के मोहम्मद आसिफ 30,535 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। 8 फरवरी को हल्का NA 233 से MQM पाकिस्तान के जावेद हनीफ, पीपल्स पार्टी की निदा आसिम, TLP के शहजादा शहबाज और जमात इस्लामी के अब्दुल जमील खान के दरमियान कांटे का मुकाबला मतवक्का है। इस हल्के की आवाम इन तमाम तर मसाइल के बावजूद पुर उम्मीद हैं कि मुंतखब होकर आने वाला नुमाइंदा इनके मसाइल हल करेगा। कैमरा टीम के साथ जिशान मुगल, समा कराची। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। भाई इलेक्शन आ रहे हैं, किसको जितवा रहे हो फिर? अरे जितवाना किसे है, कोई भी हुक्मरान आए हालात कहाँ बदलते हैं। भाई हमने भी इस दफा वोट सिर्फ उसको देना है जो गांव, देहात और छोटे अजला में अस्पताल बनाने का मंशूर रखता हो।
भाई महंगाई से भी तो जान छूटे ना, पर तालीम भी जरूरी है। हमारी बेटियां पढ़ना चाहती हैं लेकिन वहाँ पे कोई खास स्कूल कॉलेजेस नहीं है। नाज़रीन, आम इंतखाबात सर पर हैं मगर अवाम की दिलचस्पी ज्यादा नजर नहीं आती। लोग क्या चाहते हैं आपने देख लिया। उमेर बशीर ने तो आपको अवाम की राय बता दी, अब आपको बताता हूं कि बड़ी सियासी जमातों का मंशूर है क्या। सबसे पहले बात करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो हर अजला में मुफ्त इलाज के लिए अस्पतालों और डिस्पेंसरीज कायम करने का वादा किया जा रहा है। महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी का खात्मा और गरीबों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, हत्ता के घर बनाकर देना भी जियालो के मंशूर में शामिल है। इसी तरह मुस्लिम लीग नून की अगर बात करें तो मुल्क को मुआशी लिहाज से पैरों पर खड़ा करने का अलम बलंद किया गया है। नून लीग के मंशूर में भी महंगाई और बेरोजगारी समेत गैस बिजली की लोड शेडिंग जैसे मसाइल के हल का वादा किया गया है। नून लीग के साथ साथ एमक्यूएम पाकिस्तान की नजरें हैं 18वीं तरमीम में मजीद तरामीम पर। हकीकी मानों में इक्तदार निचली सतह तक पहुंचाने के लिए दोनों जमातें मुत्तफिक हैं ताकि कराची जैसे बड़े शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया जा सके और सरकारी नौकरियों में होने वाली बंदरबांट का खात्मा हो पाए। मसाइल बड़े गंभीर हैं, मुल्क बहरानों में घिरा हुआ है और ऐसे में वजूद में आने वाली एक नई जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी उम्मीद की एक नई किरण बनकर उभरी है। ये जमात भी आवाम को निचली सतह से उठाकर बुलंदियों पर ले जाने का मंशूर रखती है, जिसमें मजदूर की कम अज कम तनख्वाह 50,000, मोटरसाइकिल चलाने वालों को आधी कीमत पर पेट्रोल की फराहमी, बुजुर्गों, खवातीन और तलबा व तालिबात के लिए मुफ्त सफरी सहूलियात के अलावा कच्ची आबादियों के लिए मालिकाना हकूक और कम लागत के रिहायशी मंसूबे जैसे बड़े वादे इस जमात के मंशूर में शामिल हैं। कौन जीतेगा और किसको शिकस्त होगी, इसका फैसला तो 8 फरवरी को हो जाएगा, लेकिन अवाम की हालत बदलेगी या फिर वही पुराने काम, इसका फैसला नई आने वाली हुकूमत के इकदाम से ही सामने आएगा।